हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ठंडी ठंडी कूल कूल रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ठंडी ठंडी कूल कूल रेसिपी को। गर्मियों का मौसम हो, ठंडा ठंडा शरबत मिल जाए तो क्या बात है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लाजवाब सा गर्मियों का शरबत। इस गर्मियों में आप जरूर बनाइए रोजमिल शरबत, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और प्रोटीन रिच है। ये बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 लीटर मिल्क, ये फुल क्रीम मिल्क है और इसको हाई फ्लेम पर हमें बॉयल करना है। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है तब तक हम अपने नट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1/4 कप काजू। आप साबुत या टूटा हुआ कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास में है। तो 1/4 को ही यहाँ पर हमने बादाम को कूट लिया था, छोटे छोटे यानी कि इसके टुकड़े कर लिए हैं। हमारे यहाँ पर इलायची बड़ी है तो यहाँ पर हमने 3 इलायची ली है। अगर आपकी छोटी है तो 4 ले लें, बड़ी है तो 3 ले लें। यहाँ पर हमने मस्त मेलन सी लिए हैं 1 स्पून। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी इसकी जो तासीर होती है ठंडी होती है, थोड़ा बहुत ही गर्म होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, इसलिए इसको गर्मियों में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लिया है सौंफ और 1 स्पून लिया है यहाँ पर हमने ड्राई वाली रोज़ की पत्तियाँ। और लेंगे यहाँ पर 1/3 कप हम शुगर, यानी कि हमारी 6 चम्मच यहाँ पर हम चीनी को ऐड कर रहे हैं। अब इनको ऐड करके हम सबको ग्राइंड कर लेते हैं। इस प्रोटीन पाउडर को आप किसी भी कुल्फी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई भी शरबत बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल पाउडर एकदम तैयार हो चुका है सारे ड्राई फ्रूट्स का। एयर टाइट बॉक्स में आप इसको फ्रिज में करके आराम से रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। और हमारे दूध में भी बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून अपना ड्राई फ्रूट का ये पाउडर। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं जितना भी आपको, थोड़ा या ज़्यादा कितना भी चाहिए, लेकिन जब शरबत लाजवाब पीना है तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट हम लोग इसको मिक्स कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से इसको बॉयल होने देंगे। इससे हमारा दूध भी बढ़िया से कुक हो जाएगा, इसमें अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट मिक्स हो जाएंगे। हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हम ठंडा करेंगे, फिर इसको हम फ्रिज में रखेंगे। ये लीजिए हमारा शरबत एकदम चिल्ड हो चुका है। ये अब ग्लास लेंगे, इसमें डालेंगे आइस क्यूब और भी ज़्यादा इसको ठंडा कूल कूल शरबत बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे रोज मिल्क शरबत। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्रोटीन मिल्क, हमारा चिल्ड वाला मिल्क। तो पसंद आया ना फ्रेंड्स आपको ये शरबत, गर्मियों में इसको बनाइए और इंजॉय कीजिएगा। अब इसको बढ़िया से कर दीजिए मिक्स। जब भी आपके बच्चे स्कूल से आए तो ठंडा ठंडा ये रोज़ वाला शरबत बच्चों को जरूर दीजिएगा बना के। बच्चों के साथ साथ में बड़ों को भी बेहद ही पसंद आएगा ये। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा पसंद है रोज़ मिल्क शरबत। आप जितने मर्जी चाहे ग्लास इसमें तैयार कर सकती हैं।